नागौर के बासनी कस्बे में 55 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये व्यक्ति मुंबई में दूध का व्यापार करता था। वह करीब 20 दिन पहले नागौर लौटा था, अपने घर पर ही था। शनिवार को तबियत खराब होने पर इसे टीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रविवार को रिपोर्ट में यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला है। नागौर जिले में कोरोना का यह पहला मामला है। प्रशासन ने उपखंड क्षेत्र में धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लगाई है। वहीं जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव सहित आला अधिकारी बासनी पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही बासनी के 3 किलोमीटर के दायरे में सीज कर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। नागौर के बासनी में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया। मरीज को जैसे ही सूचना कोरोना पॉजिटिव की मिली, मरीज को जयपुर भेज दिया गया, जहां बताया जा रहा है SMS में जो है वार्ड में उनको रखा जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि कल दोपहर यह मरीज जो है अपने परिजन के साथ मोटरसाइकिल पर टीबी क्लिनिक नागौर पहुंचा, जहां उसने अपने खांसी सहित लक्षणों को बताया और बताया कि मैं जो है टीबी का मरीज हूँ। इस पर जो प्रभारी चिकित्सक है उन्होंने उसे जेएलएन जाने की राय दी। जेएलएन पहुंचने पर उसके लक्षणों के आधार पर कल इसकी जांच की गई और 6 सैंपल, इसके अलावा 5, कुल 6 सैंपलों को जयपुर भेजा गया। आज 6 की रिपोर्ट आई, उसमें इस मरीज का ही पॉजिटिव आया, जिसके पश्चात तुरंत महकमे में हड़कंप मच गया और मरीज को जयपुर SMS भेजा गया। मैं बताना चाहूँगा, घटना के बाद पूरे बासनी की सीमाओं को सीज कर दिया गया है, वहाँ स्प्रे किया जा रहा है क्वारंटाइन, और उसके पश्चात इसके परिजनों को जो है उनको भी जांचा गया है। घटना के पश्चात SP डॉक्टर विकास पाठक, कलेक्टर यादव भी वहाँ पहुँचे हैं और आगामी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। डर इस बात का है क्योंकि लगभग 15 दिन यह 50 वर्षीय मरीज गांव में रहा था, जिसके चलते कहीं गांव में महामारी नहीं फैल जाए, इसको देखते हुए प्रशासन उपाय कर रहा है और कोरोना ना फैले इस पर कार्य चल रहा है। मैं संदीप बोहरा।